नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। हवाई अड्डा एक भारत श्रेष्ठ भारत को करेगा प्रोत्साहित। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर उनके आवास पहुंचकर अंतिम दर्शन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा आज। बारिश से सीएम के कार्यक्रम स्थल में बदलाव। दस्तक अभियान की करेंगे शुरुआत। नवंबर तक चलेगी दस्तक अभियान। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का आज मेरठ में अनुसूचित जाति समाज को गति देने का कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद कांता कर्दम भी रहेंगे मौजूद। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि देने आवास पर पहुंचे। बीमारी के दौरान भी अखिलेश यादव ने सुखदेव राजभर से की थी मुलाकात। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। आरएसएस का अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज होंगे शामिल। 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे मोहन भागवत। संघ के विचार और उनके उद्देश्य की देंगे जानकारी। यूपी में तेज रफ्तार से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। अब तक 12 करोड़ लोगों से ज्यादा हो चुका है वैक्सीनेशन। राजधानी लखनऊ में 7 दिन में डेंगू से दूसरी मौत। 37 नए मामले आए सामने। बीजेपी मंडल अध्यक्ष की बेटी की डेंगू से मौत। कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड में आरोपी पुलिस कर्मियों को सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू। निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा लड़ेंगी मनीष का केस। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।